हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मक्के के चिवड़े की बहुत ही शानदार रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब बिना कोई देर किए डिलीशियस से मक्के के चिवड़े की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मक्की का चिवड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है 2 कटोरी कच्चे कॉर्नफ्लेक्स, जिसे आप मक्की के पोहे भी बोल सकते हैं कच्चे। 2 कटोरी यहाँ पर मैंने कच्चे कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं और 1 कटोरी मैंने यहाँ पर मूंगफली के दाने लिए हैं, कच्चे मूंगफली के दाने, थोड़े से कड़ी पत्ते और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए मैंने, जिनको कि बारीक बारीक मैंने काट लिया है खोपरे को, और काजू और बादाम को इस तरह से 1 के 2 पीस कर लिए हैं, बीच में से डिवाइड कर दिया इसे। और उसके अलावा हमें लगेगा नमक और पिसी हुई चीनी। इन सारे इंग्रीडियंट्स की आपको ज़रूरत होगी मक्की का चिवड़ा बनाने के लिए। इन सब के अलावा अगर आप चाहें तो इसके अंदर चाट मसाला पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हमें ऑयल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है। जब आपका तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लेक्स डालें, और जैसे आप कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे और ये किस तरह से फूल कर ऊपर आ जाएंगे आप देख सकते हैं, इसी तरीके से एक का एक फूल कर ही ऊपर आना चाहिए, यही आपके अच्छा तेल गर्म होने की पहचान होती है। अगर डालते से आपके कॉर्नफ्लेक्स फूल कर ऊपर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑयल प्रॉपर तरीके से गर्म नहीं है जितना कि होना चाहिए कॉर्नफ्लेक्स के लिए। ये देखिए आपके फ्लेक्स कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कितने फूले फूले हो गए हैं, साइज़ में कितने बड़े हो गए हैं ये। इसी तरह से मैं दूसरी बेच भी डालकर बताती हूँ। ये देखिए डालते से किस तरह से फूल कर ऊपर आ रहे हैं और इसका कलर और शेप दोनों ही चेंज हो गए हैं, काफ़ी बड़े और काफ़ी कुरकुरे क्रिस्पी से हो गए हैं ये। अब फटाफट से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसे इस तरह से चम्मच की हेल्प से हिलाते हुए इसको फ्राई करना है। एक बार इसे ज़रूर अलट पलट करें, वरना अंदर से ये कुछ कच्चे रह जाते हैं, कुछ फ्राई हो जाते हैं। हमें कॉर्नफ्लेक्स को बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। अब यहाँ पर ले लिए हैं मैंने मूँगफली के दाने। अब सारे मूँगफली के दाने हम एक ही बार में फ्राई कर लेंगे। इस तरह से जारे के अंदर पहले से डालें, उसके बाद आप इसे इस तरह से थोड़ा चम्मच की मदद से हिला लें और अच्छी तरह से इसे फ्राई करें, और इस टाइप पर आप गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दें, वरना ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। थोड़ा सा इसे इस तरह से अलट पलट कर लें ताकि ये प्रॉपर तरीके से सारे दाने अच्छे से फ्राई हो सके। और ये अच्छे से फ्राई हुए या नहीं इसकी पहचान ये है कि इस तरह से मूँगफली के दाने जो है थोड़े थोड़े से फटने लग जाएंगे, या फिर आप एक दाना लेकर चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं डायरेक्टली एक परात के अंदर सारी चीज़ें डालती जा रही हूँ, आपको अलग से किसी भी चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डालेंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते को भी इसी तरह से आपको जारे में फ्राई कर लेना है। कड़ी पत्ते डालते हुए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि कड़ी पत्ते डालते से बहुत तेज़ तेल के छींटे उछलते हैं, इसीलिए आप थोड़ा केयरफुली कड़ी पत्ते इसके अंदर डालें। ये देखिए इस तरह से आपको कड़ी पत्ते को भी फ्राई कर लेना है। अब इन कड़ी पत्तों के हम डायरेक्ट परात में डालते जाएंगे जिसके अंदर बाकी चीज़ें डाल रहे हैं। अब सारे ड्राई फ्रूट्स मैं एक ही बारी में जारे के अंदर डाल रही हूँ, सारी चीज़ों को अपन एक साथ फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स एक ही बार जारे के अंदर डाल दिए हैं, और मुश्किल से कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे आपको। और जैसे ही ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाए आप फटाफट गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, बंद कर दें गैस, क्योंकि अब हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है गैस की, फ्राई करने का सारा काम हो गया है। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स भी मैं सब इसके अंदर डाल रही हूँ। अभी तक मैंने जो भी चीज़ें फ्राई की है सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी है, और आपको इसको टिश्यू पेपर पे लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसके अंदर मसाला कोट करना होता है, हल्का सा ऑयल इसमें होगा तो भी चलेगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ये 1 चम्मच चीनी पाउडर और 1 चम्मच नमक या फिर स्वादानुसार नमक। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं, अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ शक्कर और नमक से ही आपका काम हो जाएगा और आपका चिवड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा और तीखा चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सा भी नमक मिर्ची कुछ भी कम लगता है तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, ये ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी कम लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। आपका मक्की का चिवड़ा बनकर बिल्कुल रेडी है, आप इसे फटाफट से सर्व करें, आप इसे अपने सफ़र में ले जाएं, या फिर छोटी भूख में एंजॉय करें, या फिर किसी भी फेस्टिवल किसी भी ओकेशन पर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है ये, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है।
घर पर एकाएक कोई गेस्ट आ जाए तो आप इसे पहले ही बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और उन्हें सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।